सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। तो कैसे आप सब लोग? सब ठीक होंगे। जैसे कि आप सबको पता चल ही गया होगा, तमिल लेके आप फिर फीचर स्क्रीन के ऊपर आपको देखते हुए मैं आज कुछ इस तरह फोटो को कुछ इसमें इस तरह की फ़ोटो में बदलने जा रहा हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे मेरे डिस्प्ले में फ़ोन पे देख सकते हो। तो आज मैं इस वीडियो को आपको मैं सब कुछ बताऊँगा, लाइटरूम में कैसे कौन सा टूल्स किस तरह से इस्तेमाल करते हैं और क्या मदद से आप अपना ओन का प्रीसेट बना सकते हो। जैसे कि अगर आपने मेरा ये वाला वीडियो देखा होगा, तो इस वीडियो में मैंने बताया था आपको कि मेरा अगला वाला वीडियो लाइटरूम के ऊपर ही होगा, जिसमें आपको मैं ओन आपका प्रीसेट कैसे बनाते हैं वो सिखाऊंगा। तो आज मैं इसी वीडियो में वही सिखाने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए। सबसे पहले आपको ये फोटो को लाइटरूम में ओपन करना पड़ेगा। मैं लाइटरूम में ओपन कर लेता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ऑलरेडी मैंने फ़ोटो एडिट करके रखा हुआ है, डिस्प्ले पे भी देख सकते हो और फ़ोन में भी देख सकते हो। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं इस फ़ोटो को डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे डिलीट करके फिर से ऐड कर लेता हूँ। तो गाइस, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाना। तो ये मेरा पहला वीडियो, थोड़ा सा नर्वस हूँ, पता नहीं वीडियो कैसा आएगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग में भी देख सकते हो या ऊपर भी आप देख सकते हो मेरे इसके डिस्प्ले में। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे चला गया, इसको मारो गोली अभी। तो ये रहा आपका मेरा ओरिजिनल फ़ोटो, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहले आपको आपके फ़ोटो में ब्राइटनेस ऐड करनी पड़ेगी या ब्राइटनेस को कम करना पड़ेगा। उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक्सपोजर होगा। एक्सपोजर की मदद से आप कुछ भी कर सकते हैं, फ़ोटो में ब्राइटनेस भी ला सकते हैं और ब्राइटनेस को कम भी कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो डिस्प्ले के ऊपर मेरे फ़ोटो में बहुत सारा ब्राइटनेस है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा कम करके थोड़ा सैचुरेशन की तरह मैं कर लेता हूँ। कॉन्ट्रास्ट आपके फ़ोटो में ब्राइट सैचुरेशन को बढ़ाता है और जितने भी पिक्सल्स होते हैं वो पिक्सल को कम करता है। तो मैं यहाँ पर सैचुरेशन को कॉन्ट्रास्ट को कम रखा हूँ, 15 या 10 के करीब रख लूँगा। ये सब आपके फ़ोटो के मुताबिक आपको रखना पड़ेगा। जैसे कि आप मेरे फ़ोटो में यहाँ पे देख सकते हो, मेरा फ़ोटो थोड़ा फुल ब्राइटनेस है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आपका फ़ोटो कुछ इस तरह सा होगा, मैं थोड़ा दूसरा वाला फ़ोटो दिखा दूँगा आपको। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आपका फ़ोटो कुछ इस तरह सा होगा तो आप थोड़ा सा ब्राइटनेस भी ऐड कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे डिस्प्ले में आपको दिखा रहा हूँ उसी तरह। तो मैं अपना खुद का फ़ोटो पर चले जाता हूँ। यहाँ पर बहुत सारी गर्मी है यार, तो मैं इसको थोड़ा कम कर लेता हूँ। ये सारे आपके फ़ोटो के मुताबिक आपको रखना होगा। मेन रोल यहाँ पे प्रीसेट बनाने के लिए आपको कलर्स के ऊपर जाना पड़ेगा, कलर्स मैं आपको आगे बताऊँगा। तो चलिए फिर से वीडियो में आ जाते हैं। हाइलाइट्स थोड़ा सा, जैसे कि आप यहाँ पे मेरे जैसे के ऊपर देख सकते हो जो लाइट्स हैं उसको ये थोड़ा सा कम कर दिया, तो मैंने इसको टोटली कम नहीं करना है, थोड़ा कम करूँगा। और शेडो, जितने भी जगह आपके फ़ोन में शेडोज़ रहेंगे, फ़ोन में नहीं फ़ोटोज़ में, वो माइनस कर देता है। जैसे कि मैं यहाँ पे वीडियो में दिखा देता हूँ, मैं थोड़ा जूम इन करके शेडोज़ को देख सकते हो आप, शेडोज़ टोटली शेडोज़ हैं। और मैं अगर इसको प्लस पे रखूँगा तो शेडोज़ बिल्कुल भी चले जाएंगे। मेरे फ़ोटो में थोड़ा सा शेडोज़ है, मैं इसको माइनस कर देता हूँ, प्लस पे रख लेता हूँ। वाइट और ब्लैक की ज़रूरत आपके, अगर आपको फ़ोटो की, अगर आपके फ़ोटो में अगर फ़ोटो आपका फ़ोटो ब्लैक होगा तो आप यहाँ पर वाइट रख सकते हो या फिर आपको वही छोड़ भी सकते हो। इस टूल को आप ना यूज़ करेंगे तो थोड़ा अच्छा ही होगा। इसके बाद आपको नीचे दूसरा वाला टेम्परेचर, जैसे कि मैंने आपको कहा था, आपके मेन फ़ोटो में आपको प्रीसेट बनाने के लिए सबसे पहले कलर्स की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे इसी इस्तेमाल करूँगा मैं, इसको आपको टोटली एक्सप्लेन करूँगा, तो वीडियो को देखते रहना। टेम्परेचर आपके फ़ोटो में टेम्परेचर ऐड करता है। अगर आपने सनशाइन के टाइम पे, मतलब 12 या 1 o'clock के बीच में अगर फ़ोटो लेंगे तो थोड़ा आपका फ़ोटो कुछ इस तरह से आएगा, जैसे कि आप स्क्रीनशॉट में स्क्रीन रिकॉर्डिंग में देख रहे हो, या फिर आपका फ़ोटो कुछ इस तरह होगा। तो मेरा दोनों के बीच में है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा कम ही कर देता हूँ, कम नहीं थोड़ा ज़्यादा कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर मेरा फ़ोटो को डिस्प्ले के में टिंट पिंक और ग्रीन के बीच में खेलता है, तो मैं इसको थोड़ा
10-15 के करीब रख लेता हूँ। वाइब्रेशन आपके फ़ोटो में ब्लैक एंड वाइट या फिर फुल सैचुरेशन को टोटली 100 पर रख देता है। तो वाइब्रेशन और सैचुरेशन दोनों एक ही जगह है, यहाँ पे देख सकते हो। वाइट एंड ब्लैक करने के लिए आपको सिर्फ एक ही टूल की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पे देख सकते हो। अगर आपको फ़ोटो वाइट एंड ब्लैक करना है तो सैचुरेशन में आपको टोटल माइनस करना पड़ेगा या फिर प्लस पे रखना पड़ेगा। मैं इसको यहाँ पे थोड़ा रख लेता हूँ, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे हो चुका है, जैसे कि मैंने आपको कहा था, मेन आपको कलर्स के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको ओन प्रीसेट कैसे बनाते हैं मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। सबसे पहले यहाँ पे आप देख लो, ऑब्जर्व करना, मेरे फ़ोटो में तीन ही कलर हैं, ग्रीन, स्किन टोन और ब्लैक। मैं यहाँ पे रेड, आपको स्किन टोन के लिए ऑरेंज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऑरेंज जैसे कि आप यहाँ पे डिस्प्ले पे देख सकते हो, मेरा स्किन टोन चेंज हो रहा है वहीं पे। मैं इसको 15 या 13 के बीच में रख लूँगा। सैचुरेशन यहाँ पे देख सकते हो, मेरा डिस्प्ले, मेरा स्किन कलर टोटली वाइट एंड ब्लैक हो रहा है या फिर टोटल ऑरेंज हो चुका है। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा रेडिश कलर में रखने की कोशिश करूँगा, 15 के करीब। लुमिनस आपकी स्किन टोन को बढ़ाता है, ब्राइटनेस जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं जूम इन करके आपको दिखाऊंगा अभी। ब्राइटनेस, मेरा स्किन टोन का ब्राइटनेस बढ़ रहा है और माइनस भी हो रहा है। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा 20 के करीब रख लूँगा। और अभी आते हैं रेड। रेड की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा, मेरे फ़ोटो में रेड कलर नहीं है, इसीलिए मैं इसको टोटल -0 पे ही रखूँगा। अगर आपका फ़ोटो रेड है तो आपको सैचुरेशन के करीब आपको जितना आपको चाहिए आप उतना रख सकते हो। नेक्स्ट आते हैं येलोइश कलर, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे फ़ोन में येलोइश कलर थोड़ा है। अगर मैं इसको सैचुरेशन माइनस पर रखूँगा तो टोटल कलर चेंज हो जाएगा बिफोर एंड आफ्टर, आप देख सकते हो। तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे सैचुरेशन इसका बढ़ा देता हूँ ग्रीन कलर करने के लिए, और लुमिनस ब्राइटनेस ऐड करता हूँ -10 लाने के लिए। तो अभी मेन, अगर आपका बैकग्राउंड ग्रीन कलर हो तो ये इस्तेमाल कीजिए, जैसे मैं यहाँ पे देख दिखा रहा हूँ। आप यहाँ पे चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। सैचुरेशन को इतना रखना और कलर चेंज करने के लिए, जैसे कि आप यहाँ पे हुई पे -100, लुमिनस को भी आप जितना आप चाहिए उतना आप रख सकते हो। यहाँ पे हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर टोटली येलोइश कलर आ चुका है मेरे फोटो में। इसको और थोड़ा ऐड करने के लिए सैचुरेशन को बढ़ा दूंगा यहाँ पे स्काई ब्लू पे आके, आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर मेरा बैकग्राउंड अगर कोई दूसरा कलर, जैसे कि मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ मेरे बैकग्राउंड का, थोड़ी एक मिनट, मैं ग्रीन को यहाँ पे लेके आ गया, इसको 0 पे, यहाँ पे येलो कलर को मैं, यानी कि फुल टोटल डार्क सैचुरेशन को मैं टोटल बढ़ा दे रहा हूँ, और यहाँ पे मैं टोटल ग्रीन, डार्क ग्रीन कर चुका हूँ। अभी मैं ग्रीन के ऊपर जाके इसको इधर लाऊँगा और वीक को इधर करूँगा, तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कलर उतना चेंज नहीं हो रहा जितना मैंने पहले बताया था आपको। यहाँ पे आप देख सकते हो कलर चेंज कैसे हो चुका है। मैं उसको येलोइश कलर में लेने के लिए फिर से मैं वापस इसका सैचुरेशन को कम कर देता हूँ, यहाँ पे सैचुरेशन को थोड़ा कम और वीक को भी थोड़ा। यहाँ पे रखने के बाद येलो कलर पे आके मैं इसको, यहाँ पे आप देख सकते हो कलर मेरा चेंज हो चुका है। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो वीडियो को फिर से पॉज, मेरा मतलब 10 सेकेंड पीछे आप कर सकते हो। 10 सेकेंड पीछे करने के बाद वीडियो को देखो, मेरा वॉइस म्यूट कर देना, वीडियो को देख के समझ लेना कैसे कलर ट्यून चेंज हो रहा है। तो मेरे फ़ोटो ब्लू कलर उतना नहीं है, आप यहाँ पे देख सकते हो पर्पल है मेरे फ़ोटो में, फूल जो फूल आप यहाँ पे देख सकते हो इसका कलर में थोड़ा सा, सॉरी ब्लू नहीं है, पर्पल पर आ जाता हूँ मैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कलर चेंज हो रहा है, जैसे मैं लुमिनस को मैंने बताया था आपको, लुमिनस आपका ब्राइटनेस कर रहा है आपकी फ़ोटो, जो जो कलर आपने सेलेक्ट किया है उसका ब्राइटनेस ये बढ़ा देता है। यहाँ पे मैं थोड़ा ब्राइटनेस कर देता हूँ और पर्पल, इसका सैचुरेशन -100 पर रखने के लिए, कलर जा चुका है, मैं यहाँ पे पिंकिश कर रहा हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा फ़ोटो बिफोर एंड आफ्टर। नेक्स्ट आपको आना पड़ेगा यहाँ पे टेक्सचर, टेक्सचर आपकी फ़ोटो में टेक्सचर ऐड कर रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको जूम इन करके मेरा स्किन टोन दिखाता हूँ, अगर मैं इसको माइनस पे रखूँ तो मेरा स्किन टोटली स्मूथ हो रहा है, बट मेरे स्किन के साथ मेरा फ़ोटो भी टोटल स्मूथ हो चुका है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा रख देता हूँ। मैं थोड़ा जूम इन कर दूँ अभी,
स्किन स्मूथ करने के लिए लाइटरूम इस्तेमाल ना करें, आपका टोटल फोटो स्मूथ हो जाएगा स्किन स्मूथने के लिए। उसके ऊपर मैंने अलग सा वीडियो बना रखा है अडोब फोटोशॉप फिक्स के ऊपर, ऊपर आपको आई बटन पे अभी दिख ही रहा होगा या फिर आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। चलिए वापस आते हैं। क्लैरिटी, आपकी फ़ोटो में क्लैरिटी ऐड करके अगर मैं माइनस कर दूँ तो आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो बेकार क्वालिटी है। मैं इसको थोड़ा सा रखता हूँ बस स्मूथनेस करने के लिए मेरे फोटो स्किन के ऊपर। विग्नेट आपकी फ़ोटो के मुताबिक आप रख सकते हो, मैं जैसे कि यहाँ पर 45 या 50 के करीब रख चुका हूँ बिफोर एंड आफ्टर आप देख सकते हैं, तो इसको ना छोड़ा तो अच्छा ही होगा। यहाँ पे आपका शार्पनिंग, अगर आपका फ़ोटो ब्लर, मेरा मतलब ब्लर की शेकी कुछ भी, अगर फ़ोटो आपका ब्लरिश कलर हो तो आप इस टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। शार्पनिंग को 150 रख के रेडियस को भी आप कर सकते हैं, मगर मेरा फ़ोटो यहाँ पे ठीक है इसलिए मैं इसको माइनस पे रख देता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका फ़ोटो ब्लर है तो आप इस टूल को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक मेन चीज़ मैं बता दूँ, लाइटरूम में आपको रेडीमेड प्रीसेट मिलते हैं, तो आपको यहाँ पे जाना होगा प्रोफाइल के ऊपर, सॉरी यहाँ पे प्रोफाइल के ऊपर जाने के बाद आप यहाँ पे जो भी आपको चाहिए, मैं मॉडर्न सजेस्ट करूँगा, मॉडर्न में जाके आपको ना मॉडर्न 0.8 के ऊपर क्लिक करते ही जैसे कि आप देख सकते हो आपका फ़ोटो टोटल चेंज हो चुका है। अगर आपको ये कलर नहीं चाहिए तो और भी थोड़ा डार्क करने पे कलर चेंज हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, या फिर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो और भी कमाल का दिख रहा है फ़ोटो। लाइटरूम में पहले से ही वीडियोज़ बना रखे होते हैं, आप चाहे तो ये इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा प्रीसेट, आपका प्रीसेट बनाने के बाद आप इस प्रीसेट को भी यूज़ कर सकते हैं, प्रीसेट में इसको प्रोफाइल बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे आप चाहे वैसे रख सकते हो, मैं यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ इसको। मैं आपको सजेस्ट करूँगा अगर प्रोफाइल में जाने का, मॉडर्न जितना हो सके उतना मॉडर्न प्रोफाइल यूज़ कर लेना, क्योंकि वो अच्छे रहते हैं मेरे हिसाब से। इसको 0.8 पर रख के तो उसको मैं -70 पर रख देता हूँ। -70 पर रखने के बाद होता है, तो आज का वीडियो बस इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स, मेरा वीडियो एंड तक देखने के लिए लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूले, और वीडियो को प्लीज़ सपोर्ट करना कि आगे मैं इसी तरह वीडियोस लेके आता रहूँ। थैंक यू फ्रॉम किंग रेड्स।